हेलो गाइस, मैं हूँ नीलू और मेरे चैनल निशु ऑलवेज खुश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ सूजी आलू पराठा की, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस होती है। तो आइए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी आलू पराठा बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 बॉयल पोटैटोज ले लिया है, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर 1 बाउल मैंने सूजी लिया है बारीक वाली, और यहाँ पे 1 स्पून चिली फ्लेक्स है, और ग्रीन चिली और गार्लिक जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और यहाँ पर साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ऑरिगेनो सीजनिंग 1/2 स्पून और कोरिएंडर लीव्स। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है, और यहाँ पर मैंने 2 स्पून के लगभग ऑयल डाल दिया है। और थोड़ा गर्म होने के बाद यहाँ पर हम चिली और गार्लिक दोनों एक साथ हम डाल देंगे, और इसे बहुत ज़्यादा हमें ब्राउनिश नहीं करना है। अब यहाँ पर हम साल्ट डाल देते हैं और ये पानी मैंने डाल दिया। तो जितना हमारा सूजी है उसका डबल हम पानी डालेंगे। तो मैंने 1 बाउल यहाँ पर सूजी लिया है, तो मैं 2 बाउल के लगभग यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, और इसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे। बॉयल आने के बाद यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम सूजी को इस तरह से डालकर मिक्स करेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि सूजी में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे डालना है और ऐसे चलाते रहना है। ये देखिए, तो मैंने सूजी सारी डाल दी है। अब इसे ऐसे ही चलाते हुए हमें इसको सुखाना है। पानी का ध्यान रखें गाइस, क्योंकि अगर पानी अगर कम होगा तो सूजी हमारी अच्छे से नहीं फूलेगी। और यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो सीजनिंग भी डाल दिया है। ऑरिगेनो सीजनिंग गाइस ऑप्शनल है, और चिली फ्लेक्स अगर आपके पास ना हो तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो सूजी है वो लगभग सूख गया है। इसे अभी हमें और सुखाना है, तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसे सुखाएंगे। अगर ये गीला रहेगा तो पराठा जो है वो हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसे हमें अच्छे से सुखा देना है। तो ऐसे चलाते हुए इसको हमें सुखाना है, छोड़ेंगे नहीं इसको। ये देखिए, हमारा जो सूजी है वो अच्छे से सूख गया है। अब ये पैन को छोड़ रहा है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्लेट में निकाल लिया है, इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए, सूजी हमारी ठंडी हो गई है। हल्का गुनगुना ही रखेंगे, बहुत ठंडा भी नहीं रखेंगे। इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और अब यहाँ पे ग्रेटेड पोटैटो भी हम डाल देते हैं। और ये पोटैटो जो है वो ठंडा हो चुका है, और यहाँ पर मैंने कोरिएंडर लीव्स और हरी कटी हुई, आप चाहे तो मिर्च भी डाल सकते हैं अलग से। अब इसको अच्छे से हम गूंथेंगे। तो ये देखिए, अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये काफ़ी गीला है। अगर ये गीला हो तो आप इस तरह से आटा या मैदा आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है। तो ये देखिए, हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। तो आइए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा गैस पे रख लिया है, और ये चकला बेलन है जिसको मैंने ग्रीस कर लिया। और इस तरह से पराठे के लिए हम एक टुकड़ा लेंगे, जितना बड़ा हमें बनाना हो इस तरह से हम राउंड कर लेंगे, और चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा हम लगा देंगे, और इस तरह से रख कर इसे हम बेलेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। ये देखिए, तो जितना बड़ा आपको साइज चाहिए उसके हिसाब से आप डो लेके आप बनाएं। और इस तरह से हम तवे पे इसको रख देंगे, और साइड से हम थोड़ा घी लगा देंगे ताकि जो हमारा पराठा है वो क्रिस्पी बने। और इसे तुरंत हम नहीं पलटेंगे, जब ऊपर से हल्का सिक जाए तभी हम पलटेंगे, और तब तक हम दूसरा पराठा भी अपना बेल लेते हैं।
तो ये देखिए, इसे बेलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप आसानी से इसे बेल सकते हैं। तो ये देखिए, अब ऊपर से भी मैं थोड़ा इस पर घी लगा देती हूँ और इसे पलट देती हूँ। अब यहाँ पर हम थोड़ा इस पर घी लगा देते हैं, ये देखिए, और इसे उलट पलट कर इसे हम सेक देते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है गाइस, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, अब इसे उतार लेते हैं। इसी तरह से दूसरा पराठा भी हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तवे पे डाल दिया है और यहाँ पर मैंने घी भी लगा दिया ऊपर से साइड से, ये देखिए, और इसे हम पलट लेते हैं। पलट कर ऊपर से हम यहाँ पर भी घी लगा देते हैं और इसे सेक लेते हैं। तो ये हमारे पराठा जो है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पराठे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी है और इसे मैंने धनिया और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इसे अपने घर में बनाइए, खाइए और इसका एंजॉय लीजिए। सो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक मी एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई न्यू वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।